सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने राज से इतना प्यार किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया। कितना प्यार किया था मैंने उसे। अब मैं और नहीं जी पाऊंगी उसके बिना, नहीं जी पाऊंगी। अब मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरा पता तू पूछ ले, दिल की जगह तू ढूंढ ले, आरा मेरे बताओ मैं कौन। अरे पागल हो क्या, हम तुमको नहीं पहचानेंगे। तू पूछ ले, दिल की जगह तू ढूंढ ले, आरा मेरे यार। मुझे ना तुम्हें गुड न्यूज देना है। गुड न्यूज जल्दी बताओ जल्दी। मैंने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। ओ बॉयफ्रेंड कौन है वो बताओ ना प्लीज। बता दूं? हाँ जल्दी बता। पक्का? हाँ जल्दी बताओ यार। ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड है राज। अरे सोनम, वो राज अच्छा लड़का नहीं है। हाँ सोनम, राधिका सच बोल रही है, वो राज अच्छा लड़का नहीं है। ओ हेलो, तुम दोनों ना राज पर लाइन मारना बंद करो। राज ना बहुत अच्छा है। और तुम लोग इसलिए कह रहे हो ना राज अच्छा नहीं है क्योंकि कहीं तुम तो उसे लाइन नहीं मार रहे हो ना। देखो राज सिर्फ मेरा है, ओनली मेरा। अरे हम कोई लाइन वाइन नहीं मार रहे, हम पहले ही बता दे रहे हैं वो राज अच्छा लड़का नहीं है। प्लीज 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 स्टॉप इट। राज बहुत अच्छा है, यू नो आई लव हिम बहुत 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 सारा। यार ये समझ क्यों नहीं रही है यार, अब तुम बंद भी करो ना। आई लव ओनली राज। अरे सोनम एक बात पूछूं? एक क्या हजार बात पूछो। अच्छा दोस्ती और प्यार में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसको चुनोगी? मैं? हाँ दोस्ती प्यार, दोस्ती प्यार। अरे जो भी हो मैं तो प्यार को ही चुनूंगी और दोस्ती से ज्यादा मेरे लिए प्यार इम्पोर्टेंट है। मैं चली अपने राज से मिलने। बाय बाय। राज, तुम्हारी जान तुमसे मिलने आई है। ही हमें न सताया करो। हम लोग ना कर रहे ना रीजनल पार्क चलेंगे घूमने। अरे बिल्कुल, तुम खाओ तो हम रीजनल पार्क क्या स्विट्जरलैंड चलें। अरे उस पे वोटिंग होती है, मुझे वोटिंग भी करना है। हाँ बिल्कुल करेंगे ना, मैं चलाऊंगा तुम पीछे बैठना। ठीक है। हाँ। यार राधिका ये सोनम कितनी बदल गई है ना, हमसे अब बात ही नहीं करती। हाँ पूजा तुम सही बोल रही हो। अरे ये तो राज है ना, पर ये लड़की कौन है इसके साथ में? अरे ये राज सोनम को सच में धोखा दे रहा है। हाँ यार उसको धोखा दे रहा है ये। अरे ये बात सोनम को जल्दी बतानी होगी। हाँ राधिका तुमने सच कहा, हम जल्द से जल्द सोनम को ये बात बताते हैं। चलो जल्दी।
किस अभी नहीं, बाद में ही दूंगी जब मिलोगे तब। ग्रीन कलर के कपड़े। एक मिनट हमारी बात सुनो। अरे पूजा अभी मैं राज से बात कर रही हूँ, दो मिनट रुको यार प्लीज। अरे यार बाद में कर लेना राज से बात, पहले हमारी बात तो सुन लो। राधिका बोलो ना पूजा को। अरे सोनम यार एक बात है जरूरी है, सुन लो। पूजा राज को बुरा लग जाएगा, तुम दो मिनट रुको मुझे बात करने दो। हाँ हाँ आई लव यू टू। ओके ओके हाँ। राज को बुरा लग गया ना यार, क्या आया बोलो। अरे सोनम तुम्हें पता है राज को हमने किसी और लड़की के साथ जाते हुए देखा है। अच्छा मजाक है, तुम लोग ना बंद करो मजाक। तुम लोगों को जलन हो रही है ना कि राज जैसा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी दोस्ती पर है ना। अरे सोनम तुम हमारी बात तो सुनो, राज को मैंने किसी और लड़की के साथ जाते हुए देखा है। मजाक कर रही हो ना, मजाक। देखो मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें जलन होती है मुझे पता है, क्योंकि राज मेरा बॉयफ्रेंड है। यार प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। और आगे से तुमने ना राज के बारे में कुछ एक भी बात कही ना तो मैं आज से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। मर जाऊंगी लेकिन राज को नहीं छोड़ूंगी, और उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। जा रही हूँ अपने राज के पास, अब तुम्हारे पास लौट के नहीं आ रही। चुप करो। अच्छा ये बताओ तुम हमारी शादी के बाद अपने पापा जी से कब कर रहे हो? बेबी कर लूंगा, तुम इतनी जल्दी क्यों है? बस बहुत जल्दी मैं कर लूंगा, ठीक है? जल्दी करो ना, सब नहीं होता। अरे बिल्कुल कर लूंगा यार, लव यू बेबी। आई लव यू टू। अरे वाह मेरी जान। ये कौन है तुम्हारे साथ? दिस इज माई गर्लफ्रेंड वंदना ब्यूटी, और मैं ना इसी से शादी करूंगा, तुमसे नहीं। यस बिकॉज This is my love, future and everything. And you go to hell. चल जा यहाँ से। राज तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, कहते थे कि मुझसे शादी करोगे, फिर तुम इसे बीच में क्यों ले आए राज? तेरे से थोड़ी बात क्या कर ली, तू मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझने लगी? तेरे जैसे तो ना मैं हजार लड़कियां पटाता हूँ डेली, हो पटा पटा के ना घूरे पे फेंक देता हूँ। प्लीज मुझे मेरा राज दे दो। चल अब जा यहाँ से। चल जा ना यार। राजा से मत करो। क्या है ये, मेरा हाथी पकड़ रही तू बिना पूछे मेरे से? चल भाग यहाँ से, जब तेरे को पता है ना मैं इससे प्यार करता हूँ, फिर भी तू मेरे से बात क्यों कर रही है? ये ऐसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, तुम्हारी तुम्हारी सारी जिद पूरी करूँगी, खाना बनाऊंगी। चलो ये नहीं जाएगी, हम ही चलते हैं यहाँ से। चलो चलो कहाँ जाऊंगी मैं अब? एक राज ही तो था जिससे मैं प्यार करती थी इतना, अब वो ही नहीं रहा मेरे साथ, तो मेरी ये जिंदगी किस काम की? अब मुझे ना अब इस दुनिया में नहीं जीना, नहीं जीना मुझे। अब मैं नहीं जी सकती, भगवान मैं आपके पास आ रही हूँ। सोनम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, राज के प्यार में मुझे नहीं जीना। अब नहीं जीना मेरे साथ पहले दिन। मुझे मर जा रही, तो मुझे नहीं जीना। अब पागल हो गई हो क्या तुम? ये क्या करने जा रही थी, हमारे बारे में सोचा है क्या कुछ तुमने? हाँ मैं पागल हो गई हूँ राज के प्यार में, उसने मुझे धोखा दिया। जाओ तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जा रही। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? तुम्हारे मरने के बाद उनका क्या होगा? उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, कुछ भी नहीं सोचती तुम? मरने जा रही हूँ मैं। अरे बेटा लो ये खाना खा लो खाना। अरे ध्यान दिया करो बेटा, बदुबली हो जाओगी। लो खाओ बेटा खा लो। Oh.
समझदार होकर ये सब क्यों कर रही हो? अपने माँ बाप के बारे में सोचा है तुमने? अरे तुम तुम्हारी माँ बाप की इकलौती बेटी हो और तुम ही नहीं होगी तो उनका क्या होगा? मम्मी एक बात पूछूं? हाँ बेटा। अगर मैं मर गई तो? अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है। ऐसा मजाक कभी भी मत करना बेटा, मुझसे ऐसा मजाक कभी भी नहीं करना बेटा। तुम नहीं होगे तो हमारा क्या हाल होगा बेटा? आज तो बोल दिया, ऐसा कभी मत बोलना बेटा, तू तो मेरी जान है। तुम्हारे तो भाई बहन भी नहीं, माँ बाप तुम्हारे किसके लिए जिएंगे? किसी का तो सोच लो ना, एक राज ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, हजारों राज आ सकते हैं। हमारे लिए जियो तुम, अपने माँ बाप के लिए जियो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था अपने माँ बाप के बारे में, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और वो लड़का उसको मिले हुए मुझे 2 महीना हो गए और मैं उसी के लिए अपनी जान देने चली थी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, अब आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। और ऐसे राज पर तुम्हारी दोस्ती के लिए हजारों राज कुर्बान है, अब मैं जीऊँगी और नहीं मरूंगी। हाँ सोनम, हम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, हमारे लिए जियो। किसी एक इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपनों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो आपको बहुत प्यार करते हैं। आत्महत्या करना तो कायर लोगों का काम होता है, इसलिए जिंदगी से लड़ना और कभी हिम्मत मत हारना।